जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप लोग उत्तर प्रदेश में एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो रिसेंटली अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20,000 संविदा पदों के लिए मतलब भर्ती का ऐलान किया गया है कि बहुत ही जल्दी 20,000 और या फिर उससे अधिक भी पदों के लिए मतलब उत्तर प्रदेश में भर्ती की जाएगी, जिसमें यूपी बस कंडक्टर और ईईसी एजुकेटर की भर्ती मतलब की जाएगी। ठीक है, इसमें कंडक्टर के 10,000 पद होंगे और ये जो एजुकेटर के पद हैं इसमें 10,684 पदों के लिए वैकेंसी मतलब भरी जाएगी उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी। ठीक है, ये आने वाले 2 से 4 दिन में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वैकेंसी में इलिजिबल हो जाएंगे और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप लोग बनवा के रेडी कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या सारी चीजें मांगी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग अभी वो डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं जिससे बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स के अभाव में उस भर्ती से बाहर न किया जाए। तो दोस्तों, जो लोग यूपी बस कंडक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, फिर नौकरी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी तक यूपी बस कंडक्टर की जो वैकेंसी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाती थी, मगर इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने मतलब ऐलान किया है, वैकेंसी संविदा के आधार पर भरी जाएगी। मतलब अभी जो संविदा रहेगा वो डायरेक्ट यूपी गवर्नमेंट के अंदर में आता है। आउटसोर्सिंग मतलब किसी थर्ड पार्टी किसी कंपनी को टेंडर दे दिया जाता था तो वो भर्ती करती थी, मगर इस बार ये जो वैकेंसी आएगी संविदा के आधार पर ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो यूपी परिवहन विभाग है इसमें 60,000 नई बसों का अपना जो बेड़ा है और वो बढ़ा रहा है, मतलब 60,000 बसें और खरीदने वाला है, जिसकी वजह से उनको आगे आने वाले समय में कंडक्टर और ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो लगभग 10,000 कंडक्टर के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ठीक है, और ये जो भर्ती है ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और इसमें 18 से 40 साल एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा, और जो लोग इसमें छूट चाहते हैं तो एज पर यूपी गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन रूल है उसके अनुसार आपको इसमें छूट भी मिलेगी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को। और इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल सी ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और ये ट्रिपल सी के मतलब जो फॉर्म होते हैं हर महीने 2 बार आते हैं, तो अगर जिन लोगों के पास है तो ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं है तो आप लोग अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर केंद्र में जाकर ट्रिपल सी का कोर्स कर लीजिए, ये लगभग 1,500 से 2,000 में हो जाता है। ठीक है, और ये हर महीने इसके 2 बैच निकाले जाते हैं, तो आप लोग ये वैकेंसी आने के पहले अपना इसमें अप्लाई कर दीजिए जिससे आप लोग एलिजिबल हो जाएं और आपको ये नौकरी मिल सके। ठीक है, अधिमानी अर्हता की बात करें, अगर कैंडिडेट के पास एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा स्काउट गाइड या फिर स्टेट या राष्ट्रपति पुरस्कार से आप कभी सम्मानित हुए, तो इसमें आपको 5% का अधिक वेटेज दिया जाएगा, मतलब इसमें आपको 5 नंबर का इसमें आपको छूट भी दी जाएगी। ठीक है, अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आपको जो सैलरी किलोमीटर के हिसाब से मिलती है, इसमें 1.59 पैसा पर किलोमीटर, लगभग 1 रुपये 60 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आप महीने में 6 से 7 हजार किलोमीटर बस चलवाते हैं तो आपकी सैलरी भी 18 से 20 हजार बहुत ही आसानी से बन सकती है। ठीक है, और इसमें आपको जो सिलेक्शन होगा आपके मेरिट के आधार पर होगा, मतलब जो आपके 12वीं क्लास में जितने भी नंबर आए हैं उसकी मेरिट के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें रिटर्न परीक्षा वगैरह होगी नहीं, तो भ्रष्टाचार का बहुत ही कम चांस है। और बाकी आप लोग इस भर्ती को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में गवर्नमेंट की सहायता कर सकते हैं। अगर आपको इस भर्ती के दौरान ऐसा कोई व्यक्ति या अधिकारी मिलता है जो पैसे की डिमांड करता है, तो आप लोग सीधा सीधा उसकी कंप्लेन करें, जिम्मेदार नागरिक बने, डर के मत बैठे। ठीक है, अब जो सबसे मुख्य बात है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और डोमोसाइल, ये जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए, इस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी दे दी कंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, बाकी जब इसका भी 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं डिटेल इसका जानकारी आपको दे दूंगा। अभी बात करते हैं जो एजुकेटर के पदों के लिए वैकेंसी आई है उसमें कौन कौन एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी को निकालने का स्टेट गवर्नमेंट का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एजुकेटर की वैकेंसी निकाली गई है, अपने यूपी के 75 जो जिले आते हैं इनमें जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक एक एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये जो एजुकेटर होंगे वहां पर जाएंगे और जो वहां पर 2 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे होते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास करेंगे, मतलब उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो पिछड़े या फिर जो पिछड़े समाज के जो बच्चे आते हैं
वो लोग कहीं ना कहीं स्कूल नहीं जाते हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ का डर होता है, वो उतना अवेयर नहीं होते। तो ये जो एजुकेटर होगा उनको शिक्षा के प्रति मतलब उत्साहित करेगा, उनको बताएगा कि आप पढ़िए, क्या क्या लाभ है, मतलब उनका एक तरीके से मानसिक भौतिक विकास करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। और ये वैकेंसी मतलब ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है, मतलब खास करके जो महिलाएं हैं, मतलब आप लोग अपने ही नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में रहकर इसमें नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण भी इसमें हो जाएगी, कि कई महिलाएं होती हैं अपने घर के कामकाज के कारण घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, मगर वो नौकरी करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी अभी 11 महीनों के लिए की जा रही है, तो आप कई लोग सोच रहे हो कि 11 महीने बाद क्या होगा। देखो 11 महीने बाद कुछ नहीं होगा, आपकी नौकरी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि ये पहली बार ट्रायल बेस पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अभी ये गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करेगी एजुकेटर वाली, मतलब 11 महीने बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा कि ये जो एजुकेटर हायर किए गए थे इन्होंने मतलब बच्चों का विकास करने में कितनी हेल्प करी है, ठीक है। इससे अगर गवर्नमेंट को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो ये वैकेंसी संविदा पर मतलब ये बढ़ाई जा सकती है, या फिर आपका और सुविधाएं वगैरह मिल सकती है। तो अभी ये 11 महीनों के लिए ट्रायल बेस पे आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट 11 महीने बाद गवर्नमेंट देखेगी, अगर अच्छा खासा रहा तो वो आगे इस नौकरी को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका मतलब शारीरिक और मानसिक भौतिक विकास के लिए एडुकेटर की वैकेंसी हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में की जाएगी, ठीक है। और इसमें भी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। हर एक केंद्र पर एक एडुकेटर की भर्ती की जाएगी, जितने भी आंगनबाड़ी है, अगर आपका जो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर एक एडुकेटर मतलब भरा जाएगा, ठीक है। इसमें फीस आपको कोई नहीं देना है, इसमें भी एज का क्राइटेरिया 18 से 40 साल रखा जाएगा, और इसमें जो 1 जुलाई 2024 तक आपका एज का गणना की जाएगी, ठीक है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। और सैलरी की बात करें, इसमें प्रतिमान आपको मिलेगा 10,313 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हाई स्कूल इंटर, ठीक है, और इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन है, और इसके अलावा जो आपने प्रशिक्षण लिया है उसके नंबर की मेरिट के हिसाब से इसमें भी सिलेक्शन आपको मिलेगा। और ध्यान रखना हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट रहेगी, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मेरिट कम भी जा सकती है, किसी में ज्यादा भी जा सकती है। इसमें जो मेन चीज है वो है इसकी शैक्षिक योग्यता, जैसे वो महिलाएं या वो व्यक्ति जिन्होंने गृह विज्ञान से मतलब अपना पढ़ाई करी है, और मिनिमम 50% इसमें नंबर होने चाहिए, ठीक है। और SC ST को मिनिमम 45% नंबर होने चाहिए अगर आपने गृह विज्ञान से पढ़ाई करी है, ठीक है। और जो NTT CT या फिर DPSC से पढ़ाई करे तो मिनिमम 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये लोग एलिजिबल है मतलब इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा एक शॉर्ट में जानकारी थी एजुकेटर से रिलेटेड जो कि वैकेंसी आने वाली है, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी 2 से 4 दिन में मतलब 5 से 6-7 सितंबर तक इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मतलब इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे ही ये वैकेंसी आएगी मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो दोनों वैकेंसी का अलग अलग बना के बता दूंगा, तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करना, ठीक है। खास करके वो महिलाएं जो अपना घर में रह के काम करना चाहती है, ठीक है, और जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे अपना वो तैयारी करते रहे, उनके लिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे कंट्रेक्टर की वैकेंसी अच्छी है, इसमें काफी कमाई के जरिया है, आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, सैलरी भी ठीक ठाक है। अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो उससे तो बेस्ट है ही है, मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो वेट करिए, जैसे ही इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी मिलूंगा फिर से दोबारा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी इसी जानकारी से खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।